बाबा रामदेव गजब टोपीबाज आदमी है और ऐसे बातें घुमाते हैं कि सोचते हैं कि लोग जो है इस मेरे भगवा चोले के पीछे जो है कुछ भी मुझको करने देंगे और मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं इस चोले को पहनकर झूठ बोलूं, फरेब करूं, मकारी करूं, धोखा करूं, कुछ भी कर सकता हूं। और ये हाल ही में एक हरकत की है, कल एक वीडियो वायरल हुआ है और साथ साथ एक ट्रेंड भी चला है ट्विटर के ऊपर बाबा रामदेव के हवाले से, और बायकॉट पतंजलि का ट्रेंड चला था। और ये ट्रेंड इसलिए चला था क्योंकि बाबा रामदेव ने कुछ ये कहा था, आप सुन लीजिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेद। तो भैया रामदेव ने कहा कि ओबीसीज के बारे में, खुद आपने सुना क्या कहा। बहरहाल मैं उसके अलावा बाबा रामदेव का हिपोक्रेसी और इन लोगों की असलियत आप देख लीजिए। पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे ये डिमीन करता है एक तरह से ओबीसीज को, और ओबीसीज आपको मालूम है मोदी जी भी उनकी बहुत जो है दावेदारी भी करते हैं। राहुल गांधी ओबीसी के उस मसले को लेकर जो है बड़े 2 साल के लिए ऑलमोस्ट सज़ा भी हुई, और इस सब के बीच में ये शख्स ओबीसीज के लिए किस तरह की सोच वो इस शख्स ने बता दिया। लेकिन यहीं पे अब इसका बयान उसके बाद देख लीजिए कि ये शख्स किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है इस बयान को, और जब मीडिया इसे सवाल करती है तो क्या कुछ कहता है यही शख्स। सर हमने तो कोई बयान नहीं दिया, आपने बोला था ओबीसी के ओबीसी ओएसी, तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या। तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं ऐसा देखो ओएसी। अरे मैंने तो ओवैसी कहा था, और जो शख्स सवाल पूछ रहा है वो भी यकीनन गोदी मीडिया से है, और वो उससे शुरुआत में ही यहीं से हिंट कर रहा है कि आपने ओवैसी के बारे में, फिर कह रहा है ओबीसी के बारे में जो टिप्पणी की है, तो ये साफ साफ मुकर जा रहा है शख्स और कह रहा है कि भाई साहब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो ओवैसी के बारे में बोला। हाँ ओवैसी को जिस तरह से आप, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ, और कभी इस शख्स के मुंह से मैंने कभी भी इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं सुनी। और यकीनन वो शख्स निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक मुसलमान है, और उसका भाई जिसके बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो शख्स एक गैर जिम्मेदार आदमी है। उसके बारे में जिस तरह से टी राजा सिंह और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों लोग हैं, इन लोगों को मैं कह चुका हूँ कि सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन इस शख्स को, इस फरेबी को जिसने कोविड का इलाज निकाला था, जिसने और भी बड़े बड़े दावे किए, उस शख्स को आप देख लीजिए, आप देखिए कि किस तरह से इस भगवाधारी चोले के पीछे छुप कर ये किसी भी हद तक गिर रहे हैं। क्या किसी एक बाबा जो अपने आप को कहता है या कहलवाना चाहता है, या एक टॉर्च बेरर किसी धर्म का, किसी तरह की एक योग का टॉर्च बेरर वो अपने आप को कहता है, वो शख्स इस तरह पलट सकता है क्या? क्या उसे इस तरह की बातें शोभा देती है क्या? पहली बात तो ये कि वो झूठा मक्कार है, दूसरी बात तो ये कि उसके अंदर की मानसिकता, जो वो रेसिस्ट है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कितना फ़र्क है जातिवाद से, उसके लिए कितनी मैटर करती है ये जातियाँ, और किस हकारत से वो एक ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास या किसी और जाति को देखता है, ये चीज़ भी साबित हो जाती है। अब लोग आंख मूंद के अंधे बने बैठे रहें, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब वक्त आएगा तो इन्हीं लोगों के अंदर, जो लोग आज जो है अंधभक्त बने बैठे हैं इन लोगों के, जब इनके गले पर ये लोग तलवार रखेंगे तो यकीनन तब आपको समझ में आएगा कि जो बाकी लोग थे, जिनको आप लेफ़्ट कहते हैं, जिनको आप जो हैं बहुत अलग अलग चीज़ों से पुकारते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल्स हैं, जिनको आप कहते हैं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, जिनको कहते हैं कि ये लोग जो है हिंदी नहीं बोलते, बहुत अलग अलग नामों से आप इनको पुकारते हैं, ये लोग सही कह रहे थे तब आपको रियलाइज़ होगा। लेकिन वो वक्त जो है तभी आएगा जब आपको इस जो है ना इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ेगी, जब आपके गले पे ये लोग जो है बैठ जाएंगे, आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आएंगी।